Hello and welcome, dear students of class twelfth. I, Kazim Ali, lecturer English, Jaffrey Academy of Modern Education. Welcome you all to this online class. So, um, as discussed earlier, we in this class are uh, reading a short story titled "The Letter A," written by Christy Brown. So, so far we can uh, we completed the introduction and the beginning part of the lesson.

पीस में बोलते हैं कि मैं जो था मैं मेरी माँ का मेरे पेरेंट्स का बच्चा था तो इसलिए मैं घर का एक सदस्य था हिस्सा था नो मैटर हाउ डल एंड इनकेपेबल आई माइट ग्रो अप टू बी शी वॉज डिटरमाइंड टू ट्रीट मी ऑन द सेम प्लेन एज द अदर्स नो मैटर हाउ डल एंड इनकेपेबल आई ग्रो आई माइट ग्रो अप टू बी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं कितना भी डल हूँ सुस्त हूँ या दिमागी लेवल मतलब लिहाज से मतलब पिछड़ा हुआ हूँ या मैं बड़ा होकर कितना भी नालायक हो जाऊँ इनका किस किस का ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता था शी was डिटरमाइंड टू ट्रीट मी ऑन द सेम plane एज द अदर क्योंकि मेरे माँ ने डिटरमाइन किया था ये बिल्कुल कसम लिया था ये बिल्कुल उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मेरे को भी बाकी बच्चों के जैसा बराबर ट्रीटमेंट मिलेगा एंड नोट एज दन इन द बैक रूम हुवर स्पोकन ऑफ वेन देअ विजिटर्स प्रेजेंट और मेरे को एक क्वेर वन की तरह ट्रीट नहीं करेंगी एक अलग से केस एक स्पेशल एक अजीब से केस की तरह मेरे को ट्रीट नहीं करेगी ऐसे केस के जैसा जिसको हम ज़्यादातर मेहमानों के सामने ना उस बच्चे के बारे में बात करते हैं ना ऐसे क्वियर अजीब बच्चे के बारे में ना हम अपने विजिटर्स के सामने बात करते हैं ना उस बच्चे को हम विजिटर्स के सामने लाते हैं तो ऐसा मेरे माने नहीं किया मेरे को एक नॉर्मल अपब्रिंगिंग दिया रिलेटिव्स और विजिटर्स के सामने मुझे लाया मुझे मेरे लिए मतलब मेरे बारे में वो शर्मिंदा नहीं हुए मेरे लिए इस तरह का अलग ट्रीटमेंट उन्होंने नहीं दिया ट वॉज अ मोमेंटस डिसीजन एज फार एज माई फ्यूचर लाइफ वॉज कंसर्न तो इस तरह का जो मेरे माँ ने जो फैसला लिया जो उन्होंने एक कदम लिया वो एक बहुत ही बड़ा अहमियत वाला फैसला था जितना मेरा आगे का जिंदगी से ताल्लुक था इसके लिए एक बहुत ही अहम बहुत ही इंपॉर्टेंट uh, ये फैसला था इट मेन दैट आई वुड ऑलवेज हैव माई मदर ऑन माई साइट टू हेल्प मी फाइट ऑल द बेटल्स दैट वर् टू कम इसका यह मतलब था इस तरह के फैसले का ये मतलब था कि मैं जो है मेरे साइड में मेरी माँ हमेशा होगी मेरा हेल्प करने के लिए मदद करने के लिए जब भी मेरे जिंदगी में या आने वाले जिंदगी में जितने भी दिक्कत होंगे जितने भी मुश्किल होंगे उनसे मतलब लड़ने के लिए मेरी माँ मेरे साइड में होगी ये इस वादे से इस माँ के डिटर्मिनेशन से एक मुझे वादा मिल गया एंड टू इंस्पायर मी विथ न्यू स्ट्रेंथ वेन आई वॉज ऑलमोस्ट बिटन और हमेशा मेरा इंस्पिरेशन करने के लिए मेरा हौसला अफजाई करने के लिए मेरे साइड में मेरी माँ होगी जब भी मैं नाउमीद हो जाऊँ जब भी मैं हा हार जाऊँ तब मेरा हौसला अफजाई करने के लिए मेरे साइड में माँ होगी ये भी फैसला एक इस माँ के इस इंपॉर्टेंट डिसीजन से मुझे मिला बट इट वॉज इजी फॉर हर बिकॉज नाउ द रिलेटिव एंड फ्रेंड्स हैड डिसाइड इट अदरवाइज मगर ऐसा फैसला करना ऐसा डिटर्मिनेशन करना कि मेरा केयर वो खुद करेंगी मेरे को घर पर रखेंगी और नॉर्मल ट्रीटमेंट देंगी ऐसा करना मेरे माँ के लिए बहुत ही मुश्किल था क्योंकि जो हमारे रिलेटिवस थे हमारे रिश्तेदार थे और फ्रेंड्स थे उन्होंने कुछ और सोचा था उन्होंने कुछ और फैसला लिया था दे कंटेंटिड दैट आइट दैट आई शुड भी टेकन काइंडली क्योंकि उन्होंने अब दलीलें देना शुरू कर दिया कि मेरे साथ प्यार मोहब्बत के साथ मुझे मेरे साथ पेश आना चाहिए सिम्पैथिकली या थोड़ा हमदर्दी के साथ भी बट नॉट सीरियसली मगर मुझे कोई इतना सीरियस इतना संजीदगी से मेरे को यानी कि क्रिस्टी ब्राउन को ट्रीट नहीं करना चाहिए ऐसा मेरे रिलेटिव और फ्रेंड्स मेरे माँ को मेरे पेरेंट्स को बोलने लग गए देट वुड बी ए मिस्टेक क्योंकि अगर आप क्रिस्टी ब्राउन को इतना सीरियसली लोगे उसके बारे में इतनी उम्मीद रखोगे तो वो एक बहुत बड़ा गलती होगा फॉर योर ओन सेक दे टोल्ड हर डोंट लुक एट दिस बॉय एज यू वुड टू द अदर्स इट वुड ओनली ब्रेक योर हार्ट इन द एंड फॉर योर ओन सेक उन्होंने माँ को समझाना शुरू किया माँ को दलील देनी शुरू की फॉर यूर ओन सेक आप अपने भलाई के लिए डो नॉट लुक एट दिस बॉय एस यूड लुक टू दटके की तरफ इस तरह मत देखो इतने उम्मीद मत रखो इस लड़के के साथ जो आप अपने आ, दूसरे बच्चों से रखते हो इट वुड ओनली ब्रेक योर हार्ट इन द एंड क्योंकि ऐसा करने से आखिर में सिर्फ आपका दिल ही दुखेगा आपका दिल ही टूटेगा और ज्यादा कुछ फायदा नहीं होगा लकीली फोमी मदर एंड फादर हेल्ड आउट अगेंस्ट हेल्ड आउट अगेंस्ट द लॉर्ड ऑफ द मगर किस्मत मेरे लक था मेरे किस्मत था कि मेरे माँ बाप ने उनके ज्यादातर ऐसे रिलेटिव के ज्यादातर ऐसे फ्रेंड्स के खिलाफ वर्जी की उनके अगेंस्ट खड़े हो गए बट मदर वॉज एन कंटेंट जस्ट टू सेडियट मगर माँ को तसली अभी भी नहीं थी सिर्फ ये कहने में कि क्रिस्टी बाउन जो उनका बच्चा था वो एक इडियट नहीं है उट टू प्रूव इट क्योंकि वो प्रूव करने लग गए अब उन्होंने एक ऐसा सोचा कि प्रूव करके दिखाऊ सबको कि मेरा लड़का ईडियट नहीं है वो सिर्फ इस बात को अपने दिल में नहीं रखना चाहते थे बल्कि इसको प्रूव करना चाहते थे नॉट बिकॉज ऑफ एनी रिजिट सेंस ऑफ ड्यूटी बट आउट ऑफ लव ये वो सिर्फ अपनी ममता की वजह से अपनी एक मतलब जरूरत एक जिम्मेदारी समझ के नहीं कर रहे थे बट आउट ऑफ लव बट आउट ऑफ लव मगर अपने प्यार के वजह से कर रहे थे जो वो क्रिस्टी ब्राउन से प्यार करते थे उसकी वजह से दैट इज वाई शी वज सो सक्सेसफुल हाँ, यही वजह होगा इतना प्यार मोहब्बत के साथ ऐसा सोच रखने की वजह से ही वो इतना कामयाब हो गया ऐसा मैं सोचता हूँ ये हमारे क्रिस्टी ब्राउन लिखते हैं एट द एट दिस टाइम शी हैड फाइव अदर चिल्ड्रन टू लुक आफ्टर बिसाइड द डिफिकल्ट वंस इस, इस वक्त उसको मेरे माँ को मेरे अलावा और भी पांच बच्चे थे जिनका उन्होंने ख्याल रखना था एंड आई वॉज द डिफिकल्टन और मेरे को थोड़ा ज्यादा अटेंशन ज्यादा केयर की जरूरत थी दो एज यट इट वॉज नोट इट वॉज नॉट बाई एनी मीन्स ए फुल हाउस और इसका ये मतलब नहीं था कि अगर मैं बोलूँ कि पाँच बच्चे थे तो इसका यह मतलब नहीं था कि वो बड़े हुए थे और घर को वो संभाल सकते थे ऐसा नहीं था सब छोटे छोटे बच्चे थे तो माँ को बहुत ज्यादा काम बहुत ज्यादा उनको मतलब उनका वर्क लोड था दे वर माई ब्रदर जो मेरे पांच और सिबलिंग्स थे भाई बहन थे वो कौन थे मेरे भाई थे जिम था टोनी था एंड पेडी थे एंड माई लिटल सिस्टर्स लीली एंड मोना और मेरे जो छोटे बहनें थी लीली और मोना वो भी थी ऑल ऑफ देम वेरी यंग और ये सारे बहुत जवान थे बहुत यंग थे जस्ट अ ईयर और सो बिटवीन ईच ऑफ देम और उनमें सिर्फ एक साल या एक महीना या थोड़ा ही उनके पास उनके बीच में डिफरेंस था इतना नहीं था कि कोई पांच साल का हो कोई दस साल का कोई पंद्रह साल का इतना कोई गैप नहीं था सो दैट दे वर ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लाइक स्टेप्स ऑफ स्टेयर्स ऐसा था कि एक थोड़ा थोड़ा उनके एज में गैप था ऐसा एक लगता था कि वो एक सीढ़ियों के स्टेप्स जैसा लगता था फोर इयर्स रोल्ड बाई एन आई वॉज नाउ फाइव अब चार साल गुजर गए धीरे धीरे चार साल गुजर गए और अब मुझे पांच साल हो गया था एंड स्टिली बॉर्न बेबी और मैं अब भी एक नए पैदा हुए बच्चे जैसा न्यूली बॉर्न बच्चे जैसा मैं हेल्पलेस था मतलब बिल्कुल ये था हेल्पलेस था वाइल माई फादर वॉज आउट एट ब्रिकलिंग अर्निंग आवर ब्रेड एंड बटर फॉर आस मदर वॉज स्लोली

Pulling डाउन द वॉल और जो माँ जो घर पे रह के इतने सारे बच्चों के बीच में रह के माँ क्या कर रही थी वो धीरे से और थोड़े पेशेंटली थोड़ा सब्र के साथ वो एक दीवार जो थी उसको हटा रही थी उसको नीचे ला रही थी ब्रिक by ब्रिक थोड़ी थोड़ी करके that सीम टू थ्रस्ट itself बिटवीन मी एंड द अदर चिल्ड्रन जो ऐसा लगता था कि मेरे और बाकी बच्चों के बीच में एक जो दीवार घुसा दिया गया है उसको मेरी माँ थोड़ा थोड़ा एक एक ब्रिक करके नीचे ला रही थी पेशेंटली पेनिट्रेटिंग बियड द थिक कर्टन देट हंग ओवर माई माइंड और वो अच्छा स्लोली पेशेंटली पेनिट्रेटिंग बियॉन्ड द थिक कर्टन दैट हंग ओवर माई माइंड और वो माँ पेशेंट के साथ सब्र के साथ वो ये क्या बोलती है जो कटन जो एक पर्दा मेरे दिमाग पे लगा हुआ था उसको पेनिट्रेट कर रही थी उसको झांग के झांग के उसको पार करके आ रही थी सेपरेटिंग इट फ्रॉम अदर्स जो दिमाग पे मेरे पर्दा था जो मुझे बाकियों से अलग रखता था उस दिमाग के पर्दे को भी मेरी माँ पेनिट्रेट कर रही थी पार करके कर आ रही थी और मेरे और बाकियों के बीच में जो दीवार जैसा था उसको भी हटा रही थी इट वॉज हार्ड इट वॉज हार्ड हार्ड ब्रेकिंग वर्क फॉर ऑल फॉर ऑफ एंड ऑल शी गोट फ्राम मी इन वॉज अ वेक स्माइल एंड पर फैंड गर्गल तो ये बहुत ही दिल टूटने वाला बहुत ही सख्त काम था क्योंकि उनको ये सारा कुछ करने के करने के बाद जो मेरे से उनको जो रिस्पॉन्स मिलता था जो उनको रिएक्शन मिलता था वो कभी हल्का फुल्का सा अजीब सा स्माइल होता था या कोई अजीब सी आवाज निकलती थी इसके अलावा ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं पाता था I could not speak or even mumble, nor could I sit up without support on my own, let alone take steps. अब मैं पांच साल का लड़का पांच साल का बच्चा तो था मगर I could not speak or even mumble. ना मैं कुछ बोल पाता था ना मैं कुछ बड़बड़ा पाता था Nor could I sit up without support, और कोई support के बगैर कोई मतलब सहारे के बगैर मैं सिट भी bed भी नहीं पाता था ऑन माय ओन अपने आप में किसी सहारे के बगैर बैठ भी नहीं पाता था लेट टेक स्टेप्स पांच साल का बच्चा चलने लगता है दौड़ने लगता है तो स्टेप्स लेने की बात तो छोड़ो ही मत छोड़ो ही मैं तो मतलब सहारे के बिना मैं खड़ा भी नहीं रह पाता था बट आई वॉजन इनर्ट और मोशनलेस मगर ये बात नहीं है कि मैं बिल्कुल बेजान था मैं कोई इनर्ट मैं कोई बिल्कुल आ, क्या बोलेंगे हम बेहरकत कोई बिल्कुल मोशनलेस कोई चीज में नहीं था आई सीम्ड आई इन डीड टू बी कन्वर्स विद मूवमेंट ऐसा लगता था कि मुझे कुछ हरकतें मेरे में एक तरह से डाली गई हैं या एक तरह से हरकतें मैं करने लगता था वाइल्ड जो हरकतें कैसे थी वाइल्ड थी मतलब थोड़ी वाइल्ड थी स्टिफ थी थोड़ी सख्त थी स्नैक लाइक मूवमेंट एक शाम की तरह में अजीब से हरकतें तो मैं करता था तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं बिल्कुल मरे हुए इंसान की तरह मरा मरा पड़ा रहता था ऐसा नहीं था मैं कुछ हरकतें करता था I seemed indeed to okay snake like moment that never left me एक ऐसे हरकतें मैं शाम जैसे करता था जो मुझे कभी नहीं छोड़ता था मैं इस तरह की हरकतें करते रहता था except in sleep सिर्फ तब नहीं करता था जब मैं सोया हुआ होता था my finger twisted and twist uh, my finger twisted and twist continuously my arms twined backwards and my and would often shoot out suddenly this way and that and my head lolled and sagged sideways and I was क्वेर क्रूक लेटर फेलो माई फिंगर ट्विस्ट मेरे हाथ जो ट्विस्ट होते थे ट्वाइन होते थे ये बिल्कुल इस तरह जकड़े हुए थे बिल्कुल बिल्कुल स्टिफ थे हाथ मेरे माई आर्म्स

मतलब मुड़ा हुआ बिल्कुल, एक बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा में एक छोटा सा बच्चा था छोटा सा लिटिल फेलो था मदर टेल्स मी हाउ वन डे शी हैड बीन सिटिंग विद मी फॉर आवर्स इन एन अपस्टेयर रूम माँ मुझे अब मैं जब बड़ा हो गया अब मैं जब ग्रोन एक ग्रोन अप हो गया तो माँ अब मुझे बताती है कि कैसे वो एक बार मेरे साथ ऊपर के किसी कमरे में बैठी हुई थी शोइंग मी पिक्चर्स आउट ऑफ अ ग्रेट बिग स्टोरी बुक और वो मुझे एक बहुत बड़े स्टोरी बुक में से बुक में से मुझे पिक्चर्स दिखा रही थी फोटोज दिखा रही थी दैट आई हैव गॉड फ्रॉम सेंटा क्लॉज वो पिक्चर्स वो फोटोज जो मुझे सेंटा क्लॉस से मिला था लास्ट समर पिछले समर को एंड टेलिंग मी द नेम्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड फ्लार्स और वो मुझे अलग अलग एनिमल्स का अलग अलग फ्लावर्स का मुझे नाम बता रही थी डेट वर इन दम जो उस किता उस किताब में थी ट्राइंग विदाउट सक्सेस टू गेट मी टू रिपीट दम और बिल्कुल किसी सक्सेस किसी कामयाबी के बगैर वो मुझे उस वर्ड को रिपीट करने का इशारा दे रही थी जो भी वर्ड फ्लॉर्स के या बर्ड्स के वो मुझे बता रही थी वो वो मुझे रिपीट करने के लिए कह रही थी बिल्कुल किसी कामयाबी के बगैर अच्छा दिस हैड गोन ऑन फॉर आवर्स वाइल शी टॉक्ड एंड लाफ्ड विद मी तो ये चीज चलता रहा होता रहा जब तक वो मेरे से बात करती रही और हंसती रही देन एट द एंड ए देन एंड द एट द एंड ऑफ इट शी लीन्ड ओवर मी एंड सेड जेंटली इन टू ईयर और लास्ट में आखिरकार वो थोड़ी झुक गई और प्यार से बहुत मोहब्बत से मेरे कान में धीरे से उन्होंने बोला क्या बोला मतलब वो बोली क्या बोली डिड यू लाइक इट क्रिस्ट डेड यू लाइक द हिर्स सॉरी लाइक द बीयर्स एंड मंकीज एंड ऑल द लवली फ्लार्स नॉट यूर हैड फॉर यस लाइक ए गुड बॉय क्या तुम्हें यह सारा अच्छा लगता है क्या तुम्हें ये बालू ये बंदर जो है या इस तरह के अलग अलग जो इसमें फ्लार्स है क्या वो तुम्हें अच्छा लगता है क्रिस अगर अच्छा लगता है तो एक अच्छे लड़के की तरह अपना सिर हिलाओ यस बोलो और मुझे एक इंडिकेशन इशारा दे दो बट आई नोट बट आई कूड नहीं दे पाया की मुझे समझ आ गया है हर फेस बैंड उपफुल मगर उनके जो चेहरा था वो अभी भी मेरे तरफ झुका हुआ था और वो थोड़ी होपफुल थी अभी भी उनको थोड़ी उम्मीद थी सडनली मगर बहुत ही अचानक इन वॉल्टेरली माई क्वियर हैंड रीस्ट अपन ऑफ द डार्क कर्ल्स दैट फेल इन एक्स्टर अबाउट हर नेक मगर बहुत ही अचानक मेरे मतलब कंट्रोल के बगैर यानी कि इन वॉल्टेरली का अगर हम उर्दू में तर्जमा करेंगे तो बोलेंगे गैर अख्तियारी तौर पर क्या हुआ कि मेरी जो हाथ थी मेरा जो अजीब हाथ था वो क्या हो गया रीस्ट अप वो यहां से चल गया यहाँ से उठ गया और ग्रास्ट वन ऑफ द डार्क कर्ल्स दैट फेल इन थिक क्लस्टर अबाउट हर नेक उनके गर्दन में जो उनके बाल के जो ये बाल आए हुए थे उसको मेरे हाथ ने मेरे जो वेयर जो वेयर जो मेरा क्वेयर हाथ था उसने पकड़ लिया जकड़ लिया जेंटली शी लूसन द क्लेंस्ड फिंगर्स मगर मेरी माँ ने बहुत प्यार मोहब्बत के साथ मेरी उस हाथ से अपने बालों को निकाल लिया दो सम डार्क स्ट्रैंड्स वर स्टिल क्लस्ट बिटवीन द मगर फिर भी कुछ बाल के सिरेज कुछ बाल के कुछ बाल उसमें अभी भी फंसे हुए थे मगर फिर भी उन्होंने अपने बालों को मेरे हाथ से निकाल लिया देन शी टर्न अवे फ्रॉम माई क्यूरियस स्टेयर और जो मैं एक अजीब तरह से उनकी तरफ देख रहा था उससे वो मुड़ गए उससे वो एक तरफ हो गए, अलग साइड हो गई एंड लेफ्ट द रूम क्राइंग और बिल्कुल अपना सारा होप खोने के बाद उम्मीद सारा चूर होने के बाद वो रोते हुए कमरे से निकल गई द डोर क्लोज बिहाइंड आर और इनके पीछे जो दरवाजा जो है वो बंद हो गया इट ऑल सीम्स होपलेस और मुझे अब बिल्कुल ही नउमीदी होने लगी बिल्कुल होपलेस होने लग गया इट लुकड एज दो देर वस्टिफिकेशन इन माई रिलेटिव कंटेंशन दैट आई वॉस एन ईडियट एंड बी ऑन हेल्प अब मुझे भी अपने रिलेटिव पे कुछ भरोसा होने लग गया उनकी बात पे उनकी दलीलों पे पर अब मुझे थोड़ा वो जस्टिफाई वो थोड़ा सही लगने लग गया कि मैं एक बिल्कुल ही ईडियट हूँ बिल्कुल ही मतलब स्टुपिट लड़का हूँ और मैं किसी मदद से परे हूँ कोई मदद करके मुझे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है दे नाउ स्पोक ऑफ एन इंस्टीट्यूशन अब मेरे रिलेटिव एक इंस्टीट्यूशन की बात करने लगे एक इदारे की बात करने लगे एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की बात करने लगे जहाँ पे मैंटली फिजिकली डिफॉर्म्ड या डिजेबल्ड लोगों को रखा जाता है नेवा सेट माई मदर ऑलमोस्ट फियर्सली नहीं कभी नहीं अगर जब मेरे रिलेटिव ने इसका सुझाव दिया तो मेरी माँ ने क्या बोला नहीं कभी नहीं वेन दिस वॉज सजेस्टेड टू हर जब उनको ऐसा सुझाव दिया तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि मैं क्रिस्टी ब्राउन को एक ऐसे इंस्टीट्यूट में एक ऐसे जगह पे मैं भर्ती करूँ एक ऐसे जगह पे मैं रखू आई नो माई बॉय इज नॉट एन ईडियट इट इज हिज बॉडी दैट इज शेटर्ड नॉट हिज माइंड क्योंकि माँ ने फिर उनको बताना शुरू किया कि मुझे पता है कि मेरा लड़का इडियट नहीं है वो बेवकूफ़ नहीं है ये सिर्फ ये बात है, फिजिकल है फिजिकली वो थोड़ा विकलांग है मगर उसका दिमाग सही सलामत है आई एम श्योर ऑफ that. और मुझे इसका पूरा यकीन है श्योर sure, yet इन वर्डली शी प्रेट गॉड वुड गिव हर सम्रूफ ऑफ हर फेथ हाँ सही थी वो श्योर थी यकीन था मगर इनवर्टली अंदर ही अंदर वो गॉड से भगवान से ये दुआ करती थी कि वो उसको उनके इस अकीदे का इन इस ईमान का इस भरोसे का कुछ एविडेंस दे शी न्यू इट वॉज वन थिंग टू बिलीव बट क्विट अनदर थिंग टू प्रूफ प्रूफ क्योंकि माँ को पता था कि यकीन होना भरोसा होना अलग बात है उसको दूसरों को प्रूफ करके दिखाना अलग बात है आई वॉज नाउ फाइव एंड स्टिल शोड नो रियल साइन ऑफ इंटेलिजेंस अब मैं पांच साल का हो गया था और अभी भी मैं कोई ऐसा साइन ऐसा कोई निशान नहीं दिखा रहा था कि मैं एक इंटेलिजेंट लटका हूं आई शोड नो अपरेंट इंटरेस्ट इन थिंग्स एक्सेप्ट विथ माई टोस मोर स्पेशन माई लेफ्ट फूट अब क्या था कि मैं कोई जाहिरन कोई इंटरेस्ट कोई रुझान नहीं दिखाता था किसी भी तरह के चीज में सिर्फ एक ही चीज में मैं रुझान दिखाता था वो थे मेरे टोस और खासकर मेरे लेफ्ट फुट के टोस ऑल दो माई नेचुरल नेचुरल हैबिट्स वर क्लीन I could not सेल्फ myself, but in this respect my my, my father took care of me. हाँ ये बात सही है कि मैं थोड़ा साफ सुथरा था साफ सुथरा रहता था मगर ऐसी बात नहीं थी कि मैं अपना देखभाल कर पाऊँ अपना जो क्लीन uh, अप करना हो या जो भी काम हो वो मैं खुद नहीं कर पाता था उसका मैं मतलब मुझे वो इतनी सलाहियत नहीं थी तो इस तरह की चीज़ों में मेरे फादर मेरे हेल्प करते थे आई यूज टू लाई ऑन माई बैक ऑल द टाइम इन द किचन अब मैं जो था वो ज्यादातर आम तौर पर मैं किचन के फ्लोर पे किचन में अपने पीठ के बल लेटा पड़ा रहता था और ऑन ब्राइट वार्म डेज आउट इन द गार्डन या कोई अच्छी धूप वाली दिन हो तो मैं बाहर गार्डन में मैं पड़ा रहता था अ लिटिल बंडल ऑफ क्रूकड मसल्स एंड ट्विस्टेड नर्व्स मैं जो है अगर मुझे फिजिकली डिस्क्राइब करे तो मैं एक छोटा सा एक बंडल था नमूना था एक मतलब बच्चा था जिसके क्रूप मसल है जिसके मसल थोड़े मुड़े हुए टेढ़े हुए हैं और मेरे नर्व्स भी ट्विस्टेड हैं वो भी जकड़े हुए हैं इस तरह का मैं एक बच्चा बाहर धूप में पड़ा रहता था

अनएबल टू कम्युनिकेट विदर्स और मैं दूसरों के साथ बातचीत दूसरों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता था कट ऑफ सपरेटेड फ्रॉम द्लास वॉल स्टूड बिट्वीन माई एग्जिस्टेंस एन दियर्स और मैं दूसरों से बिल्कुल अलग था बिल्कुल हट किया था और ऐसा लगता था कि उनके वजूद और मेरे वजूद के बीच में एक तरह का एक दीवार एक शीशे का दीवार खड़ा हुआ है और उनके रोजमर्रा के काम से बिल्कुल अलग कर रहे, अलग दूर रहे है आई लॉन्ग टू रन अबाउट एंड प्ले वि मेरी ये ख्वाहिशन्ना ये चाहत रहता ताकि मैं उनके साथ खेलू उनके साथ गुल मिलू उनके साथ बाकी बच्चों के साथ मौज करू दौड़ू

प्रॉपर एक आकार एक शेप मिलने लगी अचानक से माई और मेरे माँ को जो मेरे पे उम्मीद था मेरे पे जो ईमान था, उसका एक सलाह मिल गया, उसका एक 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 मिल 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 गया, वो उनको एक reward मिल गया, गया उनको चेंज इन टू ओपन ट्रेम और उनका जो दिल में वो थोड़ी खौफ लेके रहती थी कि प्रूफ कैसे होगा मेरे लड़के का जो डिफॉर्मिटी नहीं है वो मैं दिल में तो सोच रही हूँ अगर उसका प्रूफ क्या होगा उस फेयर को एक बिल्कुल एक फतह एक बिल्कुल ही एक ट्रियम्फ मिल गया इट हैपन सो क्विकली सो सिंपली आफ्टर ऑल द ईयर्स ऑफ वेटिंग एंड अनसर्टेनिटी ये चीज बहुत ही अचानक हो गया और बहुत ही आसान के आसानी के साथ हो गया इतने साल इंतजार करने के बाद एक बिल्कुल ही अनसर्टेनिटी में अनसर्टेनिटी अगर हम बोलेंगे तो अनसर्टेनिटी का मतलब है मतलब अनसर्टेनिटी हो गया Uh, मतलब सर्टन नहीं होना भरोसा नहीं होना इतने सारे अनसर्टेटी और इतने सारे इंतजार के बाद ये और ऐसे हो गया वो चीज इतना अचानक से और इतने सिंपल तरीके से हो गया कि आप मैं इतना बड़ा होने के बाद अब मैं उस चीज को अभी भी ऐसे में देख सकता हूँ ऐसे में महसूस कर सकता हूँ कि जैसे वो कल ही हो गया इट वॉज द

मतलब दाने थे वो चमक रहे थे वो चिपके हुए थे और वो मेल्ट भी हो रहे थे बाहर जो ये खिड़कियों के पेंस पे खिड़कियों के लकड़ियों पे एंड हंग ऑन द बॉक्स ऑफ ट्रीज लाइक मोल्टन सिल्वर और पेड़ों के ब्रांच पे वो हैंग कर रहे थे वो लटक रहे थे द विंड हाउल डिस्मली और बाहर जो मतलब शोर शराबा जो विंड कर रहा था वो बिल्कुल हाउल कर रहा था जैसे कि वुल्फ और बाकी जानवर जैसे हाउल करते हैं शोर करते हैं उस तरह वो विंड जो आंधी थी वो पीछे बाहर वो शोर कर रही थी whipped up little wirling columns of snow that rose and fell at every fresh gust और वो बर्फ का थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा पीस हर अपने आंधी हर अपने तूफान के साथ उठा रही थी and over all the dull the dull murky लाइक लाइके डार्क केनोपी अस्ट इन सॉरी बाहर जो आसमान बिल्कुल ये ग्रे था वो एक बहुत ट्री के कैनोपी की जैसा, जो ट्री का जो, जो ब्रांच एरिया पे जो फैल जाता है उस तरह आसमान एक ग्रेनेस बहुत ग्रे होके पूरी तरह फैल चुका था एक कैनोपी की तरह पूरा पूरी तरह कवर कर चुका हुआ था तो ये था हमारे आज का ये लेसन यहाँ तक हम कंप्लीट करेंगे तो रिमेनिंग पोर्शन हम नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग